को लेकर आए हैं पटना के रिजवान कैसल के पास। मैं बता दूं कि अभी पटना के मैं रिजवान कैसल के पास हूँ। आप मेरे पीछे पटना के रिजवान कैसल को देख रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि इसे 20th सेंचुरी में मौलाना मजहरुल हक, जो कि एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम की ये ज़मीन थी, पर इसे ख़रीद लिया गया सैयद इमाम हसन के द्वारा। शायद इसे पटना के लोगों ने भुला दिया हो, पर हम आपको बता दें कि अपने वीडियो के ज़रिए इस हिस्ट्री को हम आपको उजागर करने वाले हैं। ये किला तो है, पर ये किला जैसा नहीं है, ना ही इसमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं। पर इसे आज हम देखते हैं तो हमारे दिल में कहीं ना कहीं वो ठोस आता है, यार पहले ये क्या चीज़ था और ये आज क्या चीज़ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हम देखने के लिए पहुंच चुके हैं अपने इस किला के पास, और हम आपको अपने इस वीडियो के ज़रिए इस किला के पूरे टूर को दिखाएँगे। और उससे पहले मैं बता दूँ, इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 1921 में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि काफ़ी बड़े बड़े गेस्ट पधारे थे। इसके साथ साथ इसकी दूसरी खासियत ये है कि इसे ना तो किसी ऊंचाई पर बनाया गया और इसको रक्षा प्रदान करने के लिए किसी भी तरीके का गुंबद नहीं बनाया गया है। साथ में इस किले के अंदर एक जल मीनार भी तैयार किया गया है, जिसको कि हम कंप्लीट देखने वाले हैं अपने वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस किले का जो सामने का जो व्यू है वो इस तरीके से दिखता है, और हम जो ऊपर चढ़ने वाले हैं, ऊपर की ओर जाने वाले हैं, वो इस साइड से जाने वाले हैं। उस किले से हम अंदर जाने वाले हैं, और मैं बता दूं आपको कि इस किले में अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस रास्ते को बाद में तैयार किया गया था। तो चलिए हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको पूरा व्यू करवाते ले चलते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको इसका फ्रंट का व्यू दिखा दूं कि इसके ऊपर कितने सारे पौधे जम चुके हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ जम चुके हैं। इनकी खिड़कियां काफ़ी बुरी तरीके से टूट चुकी है, और ये आप अंदर की तरफ का भी व्यू देख सकते हैं कितना बुरा हालात है। और हम जब अंदर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किस तरीके का यहाँ पर हालात इसका बना हुआ है। शायद ये किला अब हमें देखकर काफ़ी डरावना सा लग रहा है, और इसे जो बनाया गया है ये ब्रिटिश, यहाँ पर आप शायद देखकर सोच रहे होंगे ये ग्रीन तालाब है, पर ये ग्रीन तालाब नहीं, ये इसकी गंदगियाँ हैं। तो हम चले अंदर की तरफ, बैक साइड में देख रहे हैं ये क्या सिचुएशन है और इस किले की क्या हालत है। कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है देखते हुए भी, पर कोई नहीं, शायद उस साइड से भी एक रास्ता है और इस साइड से भी एक रास्ता है। तो चलिए हम अंदर किले की तरफ चल रहे हैं। ओहो, फ्लश लाइट है? हाँ है। फ्लश लाइट जलाओ। ये काफी डरावना है, काफी डरावना सा हमें फील हो रहा है। शायद हम ऊपर तो जा रहे हैं, शायद हम ऊपर तो जा रहे हैं, पर हमारे डर से हालात खराब हो चुके हैं। ओह ओह, फाइनली हम लोग पहुंच गए ऊपर, और ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ये रहा इसका व्यू, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम सेकेंड फ्लोर पर इस पर पहुंच चुके हैं, और ये देखने में कितना डरावना सा लग रहा है। शायद इसकी ये इस हालत को देखकर हमें काफ़ी अफसोस सा लग रहा है। आप इसके इस साइड्स का भी व्यू देख सकते हैं, इस साइड काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पर ये एक किला
जो कि अपने में एक कहानी रास्ता था, आज इसकी ये हालात। और इसमें कुछ लोग भी रहते हैं, बिहार पुलिस के लोग हैं, इसी में रहते हैं। तो चलिए अब हम और ऊपर की ओर चलते हैं, ऊपर की ओर जाकर देखते हैं। काफ़ी अंधेरा है, हमारी डर से हालत ख़राब हो चुकी है, काफ़ी डर भी लग रहे हैं यार, पता नहीं क्या होने वाला, भूत वगैरह तो ना आकर बोले ओ फैजान पर शायद नहीं। यस, अब हम लोग पहुंच गए ऊपर किले के ऊपर। तो ये किला के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रहा हमारा किला। और इस सामने वाले किले से हम ऊपर आए थे। सो आफ्टर ऑल हम इस किले के ऊपर पहुंच चुके हैं और काफ़ी खुश हो रहा हूं मैं। ये नीचे के साइड का व्यू है, तो मैं काफ़ी खुश हो रहा हूं। मैं दिखाता हूं नीचे की तरफ, ये आप नीचे के साइड का व्यू है, ये रहा इसके सामने से व्यू इस किले के ऊपर से। इस किले की हालात काफ़ी बुरी हो चुकी है, आप छतें देख सकते हैं किस तरीके से फट चुके हैं। और इसके साथ साथ इस किले का मैं बता दूं कि ये शायद आंगन या फिर ओसारा के तौर पे बनाया गया था। इस डरावने सीन को देखकर आपके भी दिल दहक जाए और मेरे भी दिल काफ़ी दहके हुए हैं, क्योंकि इस डरावने सीन को देखकर मुझे काफ़ी अजीब सा डरावना सा लग रहा है, क्योंकि ये महल पूरे डरावने खंडर में बदल चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या इनका सिचुएशन है, पूरा एकदम नीचे तक एकदम रास्ता, एक रास्ता ये हो गया, एक ये, और एक नीचे की तरफ जाने के ये रास्ते हो गए। यहाँ मुझे चलना भी पड़ रहा है तो काफ़ी संभल कर, क्योंकि इस पर चलने के लिए भी काफ़ी दिक्कतें हैं। ये काफ़ी यहाँ पे शराब वगैरह के ये बोतल्स फेंके हुए हैं, शीशे हैं, और इनके चारों तरफ का जो सीन है आप यहाँ से देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है सीन देखकर। पर इस किले को देखने के बाद कहीं ना कहीं दिल में एक दहशत सा आता है कि एक ज़माने में ये किला भी एक इतिहास रचता होगा, और आज इस किले की जो हालात है वो हमें देखी नहीं जाती है। इस किले को ब्रिटिश स्कॉटिश स्कॉटलैंड के तौर पे बनाया गया, स्कॉटलैंड के किले के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं, क्योंकि इसे स्कॉटलैंड के डिज़ाइनर के द्वारा तैयार किया गया था। हम जा रहे हैं और आपको यहाँ का सिचुएशन दिखा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सीढ़ियाँ भी कितनी डेंजरस है। शायद मुझे लग रहा है कि इस वाले किले के अंदर जाना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, पर हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। देखें अंदर की तरफ जाम है, इससे आगे नहीं जा सकते, शायद हमें डर भी लग रहा है कि। और आज मैं सोच रहा हूँ कि क्या बात हो सकती है जब यहाँ पर लोग रहा करते थे। तो पूरा ऊपर की साइड से व्यू लेने के बाद हम पीछे की साइड आ गए। ये पीछे का आप साइड देख सकते हैं कितना मतलब अच्छा लग रहा है, पर पीछे के साइड को देखने के बाद ये ज़रूर लग रहा है कि यार मतलब म्यूनसिपालिटी का सबसे छटा हुआ एरिया यही है। और इसका जो बनावट है इसे जब मैं देखता हूँ ना तो लगता है यार कि कहीं ना कहीं इसे बनाने में जो शिद्दत और मेहनत लगी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लगी है। और इसके साथ साथ आप मेरे पीछे ये पीछे साइड से देखते ही जा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। और मैं ऊपर था, इस साइड आप देख सकते हैं, ये इस साइड में गया था, इसके ऊपर गया था, और अब मैं नीचे की साइड हूँ, नीचे आ चुका हूँ। और नीचे आने के बाद एक तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मुझे अभी अंदर जाने का मौका नहीं मिला, ये इसी साइड से अंदर जाया जाता है। हम अभी ऊपर गए थे पर हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है और इसमें काफ़ी पुलिस वगैरह सब आर्मी वगैरह रहते हैं, तो अंदर जाना सबको अलाउ नहीं है, तो ऐसे हम लोग नहीं जा सकते। पर यहीं से मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए इनके छतों की क्या हालत हो चुकी है और कितने पुराने बिल्डिंग हो चुके हैं। और इसका जो मेन रास्ता है वो यही था, एक ज़माना रहा होगा जब गाड़ियाँ आती रही होंगी, ऐसे आती रही होंगी, और इसी जगह वो गाड़ी लगती रही होगी और उसके बाद अंदर जाया जाता रहा होगा। तो वो क्या सीन रहा होगा और क्या मज़ा आता रहा होगा।
और अभी के टाइम में जो इस बिल्डिंग की हालात है वो कितनी बुरी है ये तो आप भी देख रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त फैजान, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। इसी के साथ साथ मैं चाह रहा हूँ अब वीडियो को बंद करना, क्योंकि मुझे भी अंदर जाने का काफ़ी मन था पर मैं अंदर जा नहीं पाया, इसके लिए मुझे भी काफ़ी अफसोस है। पर कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट बार ज़रूर इसको पूरा कंप्लीट लेकर आऊँगा। इसी के साथ साथ मैं अपना वीडियो करता हूँ बंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच जब तक के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं इसी तरीके के व्लॉग को आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और ये रहा आपका वो बिल्डिंग जिसके लिए हमने इतनी मेहनतें की है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।